दोस्तों बहुत सारे लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम होती है कि वो अपना बहुत सारा कीमती वक्त फेसबुक, व्हाट्सएप और ऐसे ही दूसरे सोशल नेटवर्क पर खर्च करते हैं। आप खुद से सवाल करते रहते हैं कि हम फेसबुक या व्हाट्सएप के एडिक्शन से कैसे छूटें, पर वो लोग समझ नहीं पाते। दोस्तों जवाब असल में आपको पता होता है, जवाब बहुत ही आसान होता है, लेकिन आप उस एक्शन को लेना नहीं चाहते क्योंकि वो काम आपको पसंद नहीं आता और इसी वजह से आप इस एडिक्शन से छूट नहीं पाते। दोस्तों अगर आप सच में पढ़ने को ज़्यादा वक्त देना चाहते हैं या आप अपने काम को ज़्यादा वक्त देना चाहते हैं, तो आपको करना सिर्फ इतना है कि आप अपने फ़ोन से व्हाट्सएप, फेसबुक और बाकी दुनिया भर के जितने भी सोशल नेटवर्क हैं उन सभी को अनइंस्टॉल कर दीजिए। जी हाँ, मैंने कोई रॉकेट साइंस वाली बात नहीं बताई है, मैंने बहुत बेसिक बात कही है और जो बात मैंने शुरुआत में कही थी वो फिर से कह रहा हूँ। मैं आपको सबसे बेसिक बात कह रहा हूँ कि आप अपने फ़ोन से ये सारी कचरा ऐप्स को हटा दीजिए, और ये करने के लिए आपको 3 सेकंड का इंतजार भी नहीं करना चाहिए। आप बस अभी हटा दीजिए, वीडियो को पॉज करिए और हटा दीजिए। एक बार आपने इन एप्लीकेशन को हटा दिया तो आपके फ़ोन पर फालतू के नोटिफिकेशन आना बंद हो जाएंगे, आपको लाइक और कमेंट की गिनती का कीड़ा नहीं काटेगा और आप अपना पूरा ध्यान अपनी पढ़ाई पर या अपने काम पर लगा सकेंगे। दोस्तों अगर आप सच में सीरियस हैं तो अभी वीडियो को पॉज करिए, अपने फ़ोन से हर सोशल नेटवर्क ऐप को हटा दीजिए। ये मत सोचिए कि लोग आपसे कॉन्टैक्ट कैसे करेंगे, अगर किसी को सच में ज़रूरत है तो वो आपको फ़ोन कर लेगा। और मम्मी पापा के टच में रहने की चिंता तो आप करिए ही मत, उनको पता चलेगा कि आपने पढ़ने के लिए या अपने काम के लिए व्हाट्सएप और फेसबुक को फ़ोन से हटा दिया है तो वो भगवान को प्रसाद बांटेंगे। तो आप इन सारी ऐप्स को रिमूव करिए और मुझे कमेंट करके बताइए कि आपने करा या नहीं। अगर आपने इन ऐप्स को अभी हटा दिया है तो यकीन जानिए मुझे आप पर गर्व है और मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आप अपनी एग्जाम में पास हो जाएंगे, आप अपने काम को वक्त पर पूरा कर लेंगे। और अगर आपने अभी भी अपने सोशल नेटवर्क्स को नहीं हटाया है तो एग्जाम के लिए या आपके काम के लिए मैं आपको सिर्फ बेस्ट ऑफ लक कह सकता हूँ, क्योंकि आपको लक की बहुत ज़रूरत होगी। दोस्तों फैसला आपको लेना है, ज़िंदगी आपको बनाना है। मेरा क्या है, मुझे तो वीडियो बनाने और शेयर करवाने पर फ़ायदा मिलेगा लेकिन आपका नुकसान हो जाएगा। तो वीडियो को शेयर करने के बजाय शेयर करने वाली एप्लीकेशन को फ़ोन से निकाल दो, ताकि आप थोड़ा पढ़ सको, थोड़ा काम कर सको और आप वो हासिल कर सको जो आप हासिल करना चाहते हो। थैंक यू वेरी मच।